बढ़ रहे आई फ्लू संक्रमण को लेकर आखिरकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों को इसके बचाव और उपचार के तौर तरीके बताए हैं। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए आई फ्लू को लेकर क्या कुछ बताया, आप भी देखिए। बता दें कि जनपद में बड़े पैमाने पर आई फ्लू का संक्रमण बढ़ता ही चला जा रहा है। शायद ही कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इस संक्रमण का शिकार ना हुआ हो। आई फ्लू संक्रमण बेहद तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में आई फ्लू संक्रमण से कैसे बचाव किया जाए और अगर इस संक्रमण का कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो जाता है तो इसका उपचार कैसे करें, इस बात की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसी गुप्ता द्वारा दी गई है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि बढ़ रहे आई फ्लू के संक्रमण को लेकर जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में आई ड्रॉप मौजूद हैं जो कि निःशुल्क हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति बिना हाथ धुले चेहरे और आँखों को हाथ ना लगाए, साथ ही काले चश्मे का प्रयोग करे। अगर कोई भी व्यक्ति आई फ्लू संक्रमण का शिकार हो जाता है तो वह सिर्फ सावधानियाँ बरते, एक सप्ताह के अंदर आई फ्लू संक्रमण स्वयं अपने आप समाप्त हो जाएगा और अगर एक सप्ताह के अंदर आई फ्लू संक्रमण समाप्त नहीं होता है तो किसी अच्छे नेत्र चिकित्सक से परामर्श लें। जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरती गुप्ता ने क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। क्या पालन करना चाहिए लोग आई फ्लू के लिए? आई ड्रॉप्स हमारे सभी अस्पतालों में चिकित्सालयों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मेन इसमें उनको सफाई का ध्यान रखें, काला चश्मा पहने, अपने चेहरे और आँखों को बिना हाथ धोए न छुए। ये 5 से 7 दिन में अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारी है। अगर नहीं हो रहा है तो अगर नहीं हो रहा है तब आई विशेषज्ञ से आँख के डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है।